आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रीज किए हुए गोश्त को धोने का सबसे आसान और सही तरीका रखे हुए गोश्त में जो महक हो जाती है उस महक को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और जब हम गोश्त का कोई भी अपनी पसंद का सालन बनाए सालन बनाने के बाद उसके अंदर बिल्कुल भी महक ना आए तो फिर चलिए वीडियो में तक बने रहें और देखें फ्रीज किए हुए गोश्त को हम किस तरह से धोते हैं जो बिल्कुल भी महक नहीं आने वाली है गोश्त के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं दोस्तों जो आपको फॉलो करने होंगे वीडियो में एंड तक बने रहें तो चलिए देख लेते हैं फ्रीज किए हुए गोश्त को हम किस तरह से धोएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने फ्रीज किए हुए गोश्त को बाहर निकाल लिया है तो अब इस गोश्त को हम पोल्थीन से बाहर निकालेंगे ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बकर के दौरान गोश्त को फ्रीज में कर देते हैं और फिर उनको धोने का तरीका भी सही से पता नहीं होता तो ये देखिए मैंने गोश्त को जो है बाहर निकाल लिया है पॉलिथीन से अब इसके अंदर सबसे पहले हम पानी ऐड करेंगे तो यहाँ गोश्त को मैंने तकरीबन एक लीटर पानी में डिप कर दिया है अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ विनेगर विनेगर यहाँ मैं इसके अंदर टू टी स्पून डालूँगी यही गोश्त को धोने की खास ट्रिक है और इसी से ही इसकी बैड स्मेल जाएगी तो ये देखिए मैंने यहाँ इसके अंदर टू टी जो है विनेगर डाल दिया है अब इस गोश्त को मैं तकरीबन यहाँ पैंतालीस से साठ मिनट तक मैं इसको छोड़ दूँगी या फिर जब तक कि जब तक इसकी बर्फ़ घुल ना जाए या फिर बोटियाँ एक दूसरे से अलग ना हो जाएं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ गोश्त को रखे हुए तकरीबन एक घंटा हो चुका है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो गोश्त की गंदगी है वो कितनी अच्छी तरह से निकल चुकी है अब इस गोश्त को हम दो से तीन बार धोएंगे पहली बार जब हमने गोश्त भिगोया था तब इसके अंदर हमने विनेगर डाला था तो उस विनेगर की महक को ख़त्म करने के लिए तकरीबन इसको हम दो से तीन बार पानी में धोएंगे तो ये देख सकते हैं आप मैंने इसको दो से तीन बार पानी में धो लिया है और एक बार फिर इसका हम पानी चेंज करेंगे और आप देख सकते हैं बोटियाँ बिल्कुल किस तरह से गुलाबी गुलाबी नज़र आ रही हैं अच्छा बहुत से लोगों का जो तरीका होता है गोश्त को धोने का तो वो क्या करते हैं कि फ्रिज किए हुए गोश्त को पानी में बॉईल कर देते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा ठीक लगे तो ये देखिए अब हम गोश्त को पानी से बाहर निकाल रहे हैं तो आप भी इस पर ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं अब क्योंकि इस गोश्त को हमने दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है तो विनेगर की महक पकते वक्त बिल्कुल भी नहीं आने वाली है फ्रेंड्स आप में से कुछ लोग ही ये बात जानते होंगे कि विनेगर से गोश्त धोने का एक फायदा ये भी है कि आपकी गैस की बचत भी होती है क्योंकि विनेगर जो है गोश्त को गलाने का भी काम करता है तो इस तरह से आपके मीट की बैड स्मेल भी जाएगी और वो इस तरह से फिफ्टी परसेंट भी कुक हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको फ्रीज किए हुए गोश्त को किस तरह से धोते हैं वो बता दिया है और फ्लेगर से गोश्त धोने का क्या फ़ायदा होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें चलिए इसी के साथ मैं बाप से विदा ले, ले लेती हूँ अल्लाह फीज़ मिलती हूँ अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें